पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, जयराम बोले यह पार्टी का विचार नहीं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की मांग वाले बयान से पार्टी ने ही पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आजादी से अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पित्रोदा के विचार किसी मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष हो। कई बार वे नहीं होते। गौरतलब है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की संपत्ति के बंटवारे वाले बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी से भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा ने कहा, अमेरिका में विरासत कर टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि अपनी अपनी पीढ़ियों संपत्ति बनाई और आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। पित्रोदा के इसी बयान को लेकर जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, वे मेरे और दुनिया में कई लोगों के अच्छे मेंटर, दोस्त और मार्गदर्शक रहे हैं। पित्रोदा किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। जाहिर तौर पर एक लोकतंत्र में लोगों को अपने निजी विचारों पर चर्चा करने और उन्हें रखने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका विचार हमेशा कांग्रेस का विचार दर्शाता हो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि उनके बयान को इस वक्त सनसनीखेज बनाकर चलाना और इसे परिक्षेप्य से बाहर ले जाना। पीएम मोदी ने दुर्भावनापूर्ण चुनावी अभियान से ध्यान बटाने की कोशिश की है। क्या है पित्रोदा पूरा बयान? उन्होंने आगे कहा, हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम कई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में।